नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। बेल्जियम के जिस रेसिंग ट्रैक पर इन दिनों फॉर्मूला 2 की कार रफ्तार भर रही है, उसी रेसिंग ट्रैक पर उस वक्त मातम छा गया जब एक युवा ड्राइवर की रेस के बीच हुए खौफनाक हादसे के बाद सांसों की रफ्तार थम गई। यह हादसा इतना खौफनाक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। दरअसल शनिवार को स्टेवलॉट में बेल्जियन ग्रांड प्री रेस चल रही थी, तभी शाम 5 बजे के आसपास 160 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही 3 कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। कार नंबर 12, 19 और 20 के बीच हुए इस हादसे में जॉन मैनुअल कोरिया गुलियानो अलेसी के साथ ही एंथनी हर्बर्ट गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को मेडिकल सेंटर ले जाया गया। जॉन मैनुअल और गुलियानो अलेसी का फिलहाल इलाज जारी है, लेकिन कार नंबर 19 के 22 साल के युवा फ्रेंच ड्राइवर एंथनी हर्बर्ट ने दम तोड़ दिया। जिस वक्त उन्हें मेडिकल सेंटर लाया गया था, उनकी हालत बेहद गंभीर थी। एंथनी के दोनों पैरों में फ्रैक्चर था, जबकि रीढ़ की हड्डी में भी काफी चोट आई थी। एंथनी को गंभीर हालत में मेडिकल सेंटर लाया गया। इस दौरान वो बेहोश ही रहे। तुरंत उनकी सर्जरी भी की गई, लेकिन आखिरकार 22 साल के युवा रेसर एंथनी हर्बर्ट की सांसों की रफ्तार थम गई। हर्बर्ट की मौत के बाद रविवार की स्प्रिंट रेस को स्थगित कर दिया गया था, हालांकि फॉर्मूला 3 रेस जारी रखने का फैसला किया गया। मर्सिडीज एएमजी ने ट्वीट कर एंथनी के निधन पर शोक जताते हुए लिखा, पूरा मर्सिडीज परिवार इस दुख के समय में एंथनी हर्बर्ट के परिवार और उनके दोस्तों, उनकी ऑर्डन और रेनॉल्ट टीमों के लिए गहरी संवेदना व्यक्त करता है। रेडबुल के फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर मैक्स वर्स्टापेन ने ट्वीट किया, एंथनी हर्बर्ट के साथ हुई दुखद घटना से हैरान हूँ। मेरे विचार उनके परिवार, दोस्तों, टीम और प्रियजनों के साथ हैं। बचपन से एंथनी के साथ रेसिंग करने वाले एस्टेबन ओकोन ने ट्वीट कर कहा, विश्वास नहीं हो रहा है, हम दोनों की एक ही उम्र थी, हमने एक साथ रेसिंग शुरू की और सालों तक ट्रैक पर रहे। माय थॉट्स गोज टू हिज फैमिली। एंथनी हर्बर्ट के साथी ड्राइवर्स ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। बीडब्ल्यूटी अर्डन रेसिंग टीम के ड्राइवर एंथनी हर्बर्ट कई रेस में हिस्सा ले चुके हैं। साल 2013 के फ्रेंच F4 चैंपियनशिप और साल 2018 में GP3 सीरीज में एंथनी हर्बर्ट ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। साल 2018 में पहली रेसिंग सीरीज में हिस्सा लेने वाले एंथनी हर्बर्ट ने अपने छोटे से करियर में 11 सीरीज में 5 टीमों की ओर से रेसिंग की थी।